नमस्कार, आप देख रहे हैं जेगा मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस। जेगा कॉलेज के पास रामगांव पुल को जल्द ही तोड़ा जाएगा, उसके जगह जेडीए द्वारा एक नया पुल बनाया जाएगा जिसका कार्य प्रगति में है। वाहनों को किसी और वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पैदल चलने वालों के लिए वैकल्पिक अस्थायी पुल निर्माण किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर बारोबिसा में भाजपा का विरोध मार्च। भाजपा ने मंगलवार को कुमारग्राम प्रखंड के बारोबिसा में विरोध मार्च निकाला और शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोगों को गिरफ्तार और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। कालचिनीपोरो इलाके में मंगलवार को उस समय सड़क दुर्घटना हुई जब आसाम से सिलीगुड़ी जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर कोयले से लदे 12 पहिया ट्रक ने नियंत्रण खो दिया। ट्रैफिक बंद होने के बाद कई ट्रक और छोटी कारें सड़क पर रुक गई। एक गाय को बचाने के प्रयास में अचानक ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और पलटी हो गया। ट्रक आसाम से कोयला लेकर सिलीगुड़ी की ओर जा रहा था। खबर मिलने पर पुलिस आनन फानन में पहुंची और ट्रक को क्रेन से उठाकर सड़क से हटाया गया और सड़क से कोयला निकाला, फिर यातायात सामान्य हुआ। जेगा मिरर्स की खबर का हुआ असर। आखिरकार प्रशासन की आंखें खुली और जेगा भूटान गेट के सामने बने विशाल गड्ढे को भरने का कार्य शुरू किया गया। जेगा मिरर्स प्रशासन से यह अपील करती है कि रोड की मरम्मत पूरी तरह से किया जाए, केवल गड्ढा भरने से नहीं होगा। जाल में फंसे अजगर को बिंदी पड़ा इलाके से उद्धार किया गया। जाल में एक अजगर पकड़ा गया। काफी मशक्कत के बाद अजगर को जाल काटकर उद्धार किया गया। अलीपुरद्वार 2 ब्लॉक के बिंदीपड़ा इलाके से बुधवार दोपहर वन विभाग के कामुख्यगुड़ी मोबाइल रेंज के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अजगर को उद्धार किया। 6 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू कर वन विभाग के कामुख्यगुड़ी मोबाइल रेंज ऑफिस लाया गया। वन कर्मियों के साथ रेंज अधिकारी उत्तम कुमार सरकार ने बिंदीपड़ा इलाके में पहुंचकर सांप को उद्धार किया। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक अजगर की लंबाई 6 फीट है, इसे जंगल में छोड़ा जाएगा। 53वीं बटालियन शास्त्र सीमा बल सिमलाबाड़ी फालाकाटा ने जेगांव के पास खोखला बस्ती गांव में बेरोजगार युवाओं के लिए मशरूम खेती प्रशिक्षण का उद्घाटन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण किट का वितरण किया गया। चिकित्सा और पशु चिकित्सा नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम का भी आयोजित किया गया, जिसके तहत बीमारियों से पीड़ित के लोगों का इलाज किया गया और उनके पशुओं के इलाज के लिए मुफ्त दवाइयां और अन्य आवश्यक पूरक प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान कुल 242 लोगों और 1359 जानवरों का इलाज किया गया। 75वें स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष में निवासियों के साथ खोखला में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान गैर सरकारी संगठनों, पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों के साथ एसएसबी ने कुल 162 पौधे लगाए। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जेगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।